रात का टाइम हो चुका है और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने टेलीस्कोप को लेकर अपने छत पर सैटर्न को कैप्चर करने के। थोड़े देर फाइंडिंग करने के बाद फाइनली हमें हमारा सैटर्न प्लेनेट हमें दिख चुका है अपने टेलीस्कोप में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज है 7th of September और आज के दिन हमारा जो सैटर्न प्लेनेट है वो अपने पीक ब्राइटनेस पे होने वाला है और अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोज में होने वाला है। और इसकी और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है इस ईयर सबसे मिनिमम रहने वाली है और वो है 8.66 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये डिस्टेंस आपको सुनने में कम लग रहा होगा लेकिन अगर आप इसको किलोमीटर में देखेगा तो ये कुछ इतना होता है, तो आप सोच सकते हैं ये अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है पृथ्वी से, लेकिन फिर भी इस ईयर के लिए ये इसका सबसे कम डिस्टेंस है पृथ्वी से। और इसी क्लोज डिस्टेंस को कहते हैं ओपोजिशन। और आज के दिन जो हमारा सैटर्न प्लेनेट है वो ओपोजिशन में होने वाला है हमारे अर्थ से, बहुत अच्छे से विजिबल होने वाला है, ऑल नाइट विजिबल रहने वाला है। और ओपोजिशन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो अर्थ, सन और सैटर्न है तीनों एक लाइन में अलाइन होने वाले हैं, जिसके वजह से सैटर्न प्लेनेट जो है वो सबसे बढ़िया हम लोग को दिखने वाला है आज के दिन पे। और मैं अपने टेलीस्कोप से आपको दिखाने वाला हूँ सैटर्न प्लेनेट को। सो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले मैं आपको अपने टेलीस्कोप से मिलवा देता हूँ जिससे कि आज हम लोग कैप्चर करने वाले हैं सैटर्न प्लेनेट को। तो फ्रेंड्स ये है हमारा वो टेलीस्कोप जिससे कि आज हम लोग सैटर्न प्लेनेट को कैप्चर करने वाले हैं। पिछले साल भी हमने इसी से अपने सैटर्न प्लेनेट को कैप्चर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, अच्छे खासे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे। लेकिन इस बार हम लोग रिजल्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स ये एक बहुत ज़्यादा चीप टेलीस्कोप है लेकिन इससे भी हम लोगों ने काफ़ी गजब गजब ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर किया है और फ्यूचर में भी करते रहेंगे और आगे भी अपग्रेड करेंगे। तो ये है एक 60 mm यानी कि 6 cm अपर्चर वाला टेलीस्कोप जिसका फोकल लेंथ है 700 mm। मौसम के बारे में बात किया जाए तो हमारा जो ईस्टर्न स्काई है वो पूरा क्लियर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट साइड में हमें थोड़े से क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा सैटर्न राइज होता है जिस एल्टीट्यूड पे वहाँ पे हमें क्लियर स्काईज देखने को मिल रहे हैं। तो आइए अब रात तक का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें एक क्लियर नाइट स्काई देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और कुछ देर बाद सनसेट भी होने वाला है और फिर रात हो जाएगा और रात के करीब 10-11 बजे हमारा जो सैटर्न है वो अच्छे खासे एल्टीट्यूड पे आ जाएगा जहाँ पे हम लोग उसको काफ़ी अच्छे डिटेल्स में कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए अब रात होने का इंतजार करते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सैटर्न के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने पिछले बार काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी सैटर्न के बारे में। तो आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चरिंग दिखाऊंगा प्लेनेट की और उसकी प्रोसेसिंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और फ्रेंड्स आप लोग साथ ही साथ आजकल एक और न्यूज़ सुन रहे होंगे कि हमारे जो सैटर्न के रिंग है वो गायब होने वाले हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है आइए पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बात है कि हमारे सैटर्न के रिंग जो है वो गायब होने वाले हैं वो बिल्कुल से फेक बात है। आइए मैं आपको इसके पीछे का पूरा साइंस बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा सैटर्न है 2019 का, ये है 20 का, 21 का, 22 का, 23 का और 24 का। इन सब में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, धीरे धीरे जो हमारा सैटर्न का रिंग है वो पतला होते जा रहा है। ऐसा आपको पता क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सैटर्न है वो उसका एक्सिस जो है वो धीरे धीरे हमारे अर्थ से पैरेलल हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सैटर्न के तरफ ऐसा हो गया है कि उसका जो रिंग्स है हमें बिल्कुल सीधा ऐसे दिखाई दे रहा है। पहले वो अगर आप देखिएगा पिछले इमेजेस में तो वो कुछ इस टाइप के था और अगर धीरे धीरे आप देखिएगा तो वो कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आप देख सकते हैं मेरा हाथ जब आप देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा ही, इस साइड से आपको थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लेकिन धीरे धीरे जैसा ही मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा तो ये देखिए सरफेस एरिया जो है यहाँ पे कम हो गया है। तो सैटर्न के साथ भी बिल्कुल सेम वही बात हो रही है। देख सकते हैं आप लोग क्रीजेंट मून को, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे देखने को लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है अभी शाम के स्काई में। और इसके साथ हमारा वीनस भी होगा, ब्लिंक करता हुआ वीनस, वीनस वीनस नहीं दिख रहा है अभी, सारे क्लाउड्स है उस साइड पे, लेकिन भाई साहब क्रीजेंट मून क्या ही तो यहाँ पे गजब देखने को लग रहा है।
सो फ्रेंड्स, रात का टाइम हो चुका है और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने टेलीस्कोप को लेकर अपने छत पर सैटर्न को कैप्चर करने के लिए। और सैटर्न जो है वो भी राइज हो चुका है हमारे ईस्टर्न स्काई में और एक अच्छे एल्टीट्यूड पे भी है, पर जो मौसम है वो थोड़ा हेजी है, यानी कि पार्शियल क्लाउड्स है जो कि कभी कभी आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन सैटर्न एक अच्छे एल्टीट्यूड पे है तो हम लोग कैप्चरिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग आज कैसे कैप्चरिंग करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास है एक 20mm का आईपीस, एक 12.5mm का आईपीस और एक 4mm का आईपीस। इसमें से जो ये आप 20mm का आईपीस देख रहे हैं, ये होता है वाइड फील्ड ऑफ व्यू के लिए, जो होता है डीप स्काई ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे नेबुला है, वाइड क्लस्टर्स है और भी काफ़ी सारी कुछ डीप स्काई गैलेक्सीज हैं, उनके के लिए हम लोग वाइड फील्ड ऑफ व्यू को यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग इस वाला आईपीस का यूज करते हैं। और जो आईपीस हमें सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन देता है वो होता है 4mm का आईपीस, जो कि अगर आप 700 फोकल लेंथ के साथ यूज कर रहे हैं तो आपको करीब 175x तक ऑप्टिकल यहाँ पे आपको जूम देता है। तो आज हम लोग प्लानेटरी के लिए यही 4mm का आईपीस यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने फाइंडर स्कोप को अलाइन करते हैं इस 4mm आईपीस के साथ और उसके बाद आपको मिलते हैं सीधे कैप्चरिंग के वक्त। सो फ्रेंड्स, थोड़े देर फाइंडिंग करने के बाद फाइनली हमें हमारा सैटर्न प्लैनेट हमें दिख चुका है अपने टेलीस्कोप में। तो चलिए अब आपको भी दिखाता हूँ, फ़ोन को लगाता हूँ अपने फ़ोन होल्डर पे, उसको लगाता हूँ आईपीस पे और कैप्चरिंग को चालू करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ प्रोसेसिंग एरिया पे। तो सारे कलेक्टेड डाटा को हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में डाला और फिर प्रोसेसिंग चालू की। सबसे पहले हमें जो अपना बेस्ट वीडियो लगा उसे हमने पिप में सेंटर किया और उसके बाद ऑटो स्टैकर में जाके वहां से उसको स्टैक किया। स्टैकिंग काफ़ी जल्दी हो गई थी क्योंकि हमारी जो वीडियो थी उतनी ज़्यादा बड़ी थी नहीं और जो हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसा कि वो वीडियो था उसके हिसाब से जो रिजल्ट था वो काफ़ी हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा था, जिसमें हम लोग सैटर्न के थोड़े थोड़े डिटेल देख पा रहे थे। लेकिन मेरे पास और भी कुछ छोटी छोटी वीडियोस थी शॉर्ट लेंथ की, क्योंकि हमारे पास एक मैनुअल टेलीस्कोप है तो हम लोग लॉन्ग कैप्चरिंग तो नहीं कर पाए। तो हमारे पास जितनी भी वीडियोस थी उसको मैंने फिर से पिप में डाला और वहां से प्रोसेस किया। पिप में प्रोसेस होने के बाद ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सेक हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे ऑटो स्टैकर में डाला और फाइनली उस वीडियो को भी हम लोगों ने स्टैक कर दिया। तो यहाँ पे हमारी उस वीडियो की भी स्टैकिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा था। आइए अब आपको सारे फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। The whole world at our feet, watching seasons change, our roads were lined.